वालू छे पुण्य ये पीछे आवाज भी आती वालू छे पुण्य राम राम सबको जय जवान जय जवान। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। हम गांव में सरपंच चुनते हैं तो वो जब आता है तो हम कहते ना खरंजा भर सरपंच बनने के बाद खरंजा भर देना गुट्टी दिलवा देना पेशाब घर बनवा देना लाइट लगवा देना। हम बात करते हैं सरपंच से नहीं करते। फिर अगर सरपंच वो बात नहीं मानता है तो शादी ब्याह कहीं भी मिले बार बार बोलते हैं ना कि भैया आप हम कीन गए हो तो करो नहीं आप सही है गलत। आज तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। बहुत सोची समझे हम सबको वोट कर लू चाहिए। देश में 2014 में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी बात का देश का सामना करी। खरगोन बड़वा जी का सब परिवार का लोग जाना धड़ाधड़ा पटेल धोनी उतना के नाम हो तो पिछला सांसद तो नहीं का पहला वाला तो सुभाष पटेल उनका जिसे टिकट बीजेपी ने वो कभी का आयो नहीं गयो नहीं फिर भी मोदी जी का नाम पर जीतनी चली गई सही है कि गलत। फिर 5 साल था का भी गांव बनी गए बीजेपी ने देखो कि हरियाणा में तो टिकट काटी गजेन पटेल कर दीजिए सही है कि गलत। मोदी जी ने कही तो था बहुत ही महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार जब ये अपने मिठो तेल को 30-35 रुपया को आप कर दे 140-150 को सही है कि गलत। फिर पेट्रोल तो पेट्रोल 60 को तो गाड़ी वालों वालों के तो लो कि 30 को करे हुआ कर दो 110 को सही है कि गलत। फिर कहता था बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की मार मोदी सरकार एक को भी छोड़ो नौकरी पर लगे होता हाथ पूछो करो अरे कोई को लगे होगा एक हाथ को। फिर कहता था स्विस बैंक कालाधन 15-15 लाख याद है कि भूली गया अरे पीछे वाला बताओ याद है भूली गया आया 15 लाख आया इन भाई बहन का खाता में आया होगा निया बहुत थारी के। फिर क्यों गांधी परिवार के पास है स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में वहां लिस्ट नहीं आई। अभी थोड़ा दिन पहला एक लिस्ट आई कि SBI मोदी जी की पार्टी पर सब लोग काड़ो भरे उनने जो हमने नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री है देश के प्रधानमंत्री से क्या भावना होनी चाहिए जब वो देश को कहते हैं सबका साथ सबका विकास लोगों ने भरोसा किया उन्होंने देश को कहा 140 करोड़ लोग मोदी परिवार है सबने भरोसा किया उन्होंने कहा 6 दिन लाके दूंगा लोगों ने भरोसा किया उन्होंने कहा मैं खाऊंगा मैं खाना दूंगा देश ने भरोसा किया उन्होंने कहा मेरे आगे भी कोई नहीं है और मेरे पीछे भी कोई नहीं है देश ने भरोसा किया और देश के प्रधानमंत्री ने दिया क्या बेरोजगारी दी विश्व में सबसे बेरोजगार देश है तो भारतवर्ष है उन्होंने महंगाई दी पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई है तो भारत में है उन्होंने कालाधन स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई जैसा मैंने कहा SBI की आई उसमें कोविड में लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे तब भी बीजेपी व्यापारियों से चर्चा ले रही थी उन्होंने कहा 180 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है उससे 1100 करोड़ रुपए चंदा ले लिया 500 करोड़ रुपए पता ही नहीं पाई बीजेपी कि कहां से आया उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक के चला गया हमने उठा के कैश कर लिया। ये नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन अच्छा देश मेरा परिवार सबका साथ सबका विकास का देशवासियों को तमन्ना दिया। साथियों देश में मोदी जी अभी 2 दिन पहले कल राजस्थान में भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि बहनों के मंगलसूत्र की बात मोदी जी बहनों के मंगलसूत्र का हिसाब बोलने से पहले आपको शर्म आनी थी। ब्रजभूषण आपकी पार्टी का सांसद था हमारी पहलवान बहनें 2 महीने तक रोड पे बैठी रही आपने मंगलसूत्र की राजनीति रखी आप बोल ही नहीं सकते
अरे आपसे मैं बोलना नहीं चाहता छोटी और अच्छी बात। भारतवर्ष में धर्मपत्नी को भोलेनाथ ने भी अर्धनारी का एक स्वरूप भारतवर्ष को बताया, और आपने आपका पारिवारिक धर्म क्या है वो कैसा निभाया। आपको मंगलसूत्र की बात करने से पहले रवि किशन आपकी पार्टी का सांसद है, उसकी बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा बाप रवि किशन है, डीएनए टेस्ट कराओ। ये मानता नहीं है कि मेरा पिता है, आपकी पार्टी का सांसद है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोले आप बात करते हो मंगलसूत्र की। उसके पहले आपको ये तो सोचना था कि आपने देश के सामने किस तरीके की जातियों की बात की। अरे देश के आज 10 साल बाद देश में बहस हो रही है संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आपके वोट के अधिकार को बचाने। ये पत्रकार जितने बैठे हैं यहाँ साथी घर में, इनकी आवाज को बचाने, इनकी लेखनी को बचाने। अरे देश में क्यों कहना पड़ा गोदी मीडिया मोदी मीडिया, ये सवाल क्यों हुआ? आपने जैसा विवेक तन्खा जी अभी बता रहे थे कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर छपरा है, ये बात क्यों थी? नरेंद्र मोदी जी देश में ये सवाल क्यों है कि सोवियत रूस जैसा होगा? अभी उमंग सिंगार जी ने बताया कि चुनाव 29 का आखिरी है, इसके बाद होंगे कि नहीं होंगे सवाल उठ रहा है। ऐसा देश कैसे बना, ऐसी सोच कैसे आई, ऐसा विचार क्यों आ रहा है? ये 10 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा देश बना के दिया। अरे साथियों बात तो थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश में ऐसी खुशहाली लेके आऊंगा कि हर दर्जे का सबको सुकून और संपन्नता समृद्धि रहेगी। आपने कमर तोड़ महंगाई कर दी, कर्ज में डूबता किसान कर दिया, चरम छुट्टी महंगाई कर दी, आपने असुरक्षित महिलाएं कर दी, आदिवासी 2 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब है पिछले 3 साल में, सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार अनाचार के अपराध रखते हैं, सबसे ज्यादा अपराध पुलिस के हमारे आदिवासी भाइयों के खिलाफ पुलिस की ताराशाही होती है, लोकतंत्र पर के अस्तित्व का सवाल खड़ा कर दिया, संविधान का खुला अपमान कर दिया आपकी पार्टी के लोग। जैसा कि मैंने पहले कहा, आनंद ठेंगड़े ने कहा संविधान बदल देंगे, ये अपमान नहीं है तो क्या है? आपने 5 गुना अंतर्राष्ट्रीय ऋण देश में कर्जा हो गया। आपने जो बातें जो भावनाएं बताई, मैं मानता हूं खराब जीएसटी के कारण व्यापार व्यवसाय समाप्त हो गया, खराब होता आमदन की अर्थव्यवस्था, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी आप दोषी हो। आप अमीर 2 लोग बेचने वाले और 2 लोग खरीदने वाले, बाकी आमजन गरीब। देश की 80% संपत्ति आपने सिर्फ 20 लोगों के हाथों में कर दी, ऐसा देश बनाना था आपको? आपने कोविड में, जैसा मैंने कहा, कोविड में भी चंदा लेने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा था सरपंच का चुनाव भी हम सोच समझ के लड़ते हैं, वोट देते हैं, पंच भी सोच समझ के देते हैं। अभी गजेंद्र भाई यहाँ के सांसद है, ईमानदारी से झूठी बोल रहा है। मैं मंच पर विराजित सभी नेता कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष आपसे भी बोलना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से भी बोलना चाहता हूँ, यहाँ उपस्थित एक एक जन से, गजेंद्र पटेल 5 साल में किसके गांव में आया हाथ उठाकर? नहीं आया। पीछे भैया बताओ, नहीं आया। जो आदमी 5 साल में आपके गांव में नहीं आया, कोई बात नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, टाइम नहीं मिला होगा। मैं इतना अनुरोध करता हूँ, कोई की मौत मैयत में तो आया होगा, अच्छा ब्याह शादी में तो आया होगा, नहीं आया? अच्छा जब उसको 5 साल में 50 करोड़ सांसद निधि मिली, 50 करोड़ में कमरों भर गया ये, 50 करोड़, कोई का गांव में 2-4 लाख तो दिया होगा, नहीं दिए? तो फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जब कुछ नहीं किया तो वोट मिलना चाहिए क्या? अच्छा गजेंद्र पटेल 9 अगस्त की आदिवासी छुट्टी का विरोध किया कि नहीं किया? अच्छा उसने आप लोगों को वो आदिवासी नहीं कहता, आदिवासी क्या है ये मंच पर बैठे हुए लोगों को भी समझना पड़ेगा। आदिवासी यानी आदिकाल से इस पृथ्वी के वासी, आदिवासी वो आपको आदि पहला प्रथम, अगर कोई मालिक है इस धरती का तो आप हो आदिवासी,
वो इनको आदिवासी नहीं मानते, वनवासी। वनवासी हम आदिवासी है कि वनवासी है? अच्छा ये बताओ, कभी खरंजा नहीं भरवाया, कभी पैसे नहीं दिए, कभी आए गए? पर पत्रकार बंधु हो आप, इतना बताओ, गजेंद्र पटेल ने कभी विधानसभा लोकसभा में खड़े होकर खरगोन बड़वाने की बात तो कही होगी? एक बार आपने छापी कभी? चिट्ठी तो लिखी होगी, वो तो छापी होगी। जब कुछ नहीं किया तो छोरा का तो छोरी मिल नहीं सकता भैया, मकान है, सही है कि गलत? बस इतना ही अनुरोध है अंत में कि जब शराब माफियाओं को संरक्षण देने की बात आती है, अभी बाल समाज का एक बेटा मरा था, उसको मारने वाले लोग किसके साथ घूम रहे हैं? किसके साथ घूम रहे हैं? सांसद हमारे जो वर्तमान है उनके चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ये धरती महापुरुषों की धरती है। आदरणीय सुभाष यादव जी, जिन्होंने इस मानवाधिमान जो क्रांति लेके आए, जो बीजेपी के लोग कट्टर है ना, ये भी बोलने लायक तब बने जब इस निमाड़ में नहरें आई, यहाँ का विकास हुआ, नर्मदा माई गांव और खेत खेत बेहतर हुआ। और सुभाष यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस परिवार के। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बीजेपी के परिवार जनों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अगर इस लोकतंत्र में आपको भरोसा है, सरपंच से लेके संसद तक चुनाव होने चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह के भाषण कर रहे हैं, जिस तरह की भावना व्यक्त कर रहे हैं, वो एहसास करा रही है कि इंडिया गठबंधन बहुमत में आ रही है। ध्यान रख लेना, कांग्रेस जीती और बीजेपी हार रही है। जहां तक खरगोन बड़वाने का प्रश्न है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी 1 लाख से ऊपर की नौकरी छोड़ी, जो चाहता तो 1 लाख रुपए की 1 लाख की नौकरी थी, विधायक और सांसद जैसी नौकरी थी, वो छोड़ी और आपकी सेवा में आपके चरण छू के सेवा करने आए हैं। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को खरगोन के, सभी पत्रकार बंधुओं के खरगोन के, सभी राजनीतिक लोग जितने भी हैं यहाँ, सरपंच से लेके ऊपर तक, सबसे आग्रह करता हूँ, ईमानदार ने आज तक कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का एलिगेशन साधु को नहीं रखा। इसके पास गजेंद्र पटेल इतने पैसे नहीं है, खर्च नहीं कर पाएगा, पर इसके पास ईमान है, ईमानदारी है। इसके पास आपके बेटे का होने का हुनर है, आपका बेटा बनना चाहता है, आप इसको वोट दे लो, वोट दोगे कि नहीं लोगे? बस आज का दिन जैसा कोर्टे जी ने कहा, 21 दिन आप लोगों के दान चाहिए, फिर 5 साल ये आपका दिहाड़ी का रोज की दाढ़ी आपकी करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोर्टे जी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहां से जितने हमारे विधायक हैं, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधु, रवि जोशी, अरुण यादव जी, हमारे उमंग सिंगार जी, इधर हमारे भाभी जोबा सोलंकी, केदार भैया, इधर और कौन रह गए, हमारे आर्य छागे, ज्ञानसी लाल रावत जी, मंडोल जी, हमारा सेंगवा के विधायक जी, सभी हमारे यहाँ उपस्थित, सबके और पूरी जनता।